हसनपुर में अधिकारियों ने पॉलिथिन सर्च अभियान चलाया, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया तो अधिकारी बेरंग लौट आए। पॉलिथिन का प्रयोग न किए जाने को लेकर नगर में पॉलिथिन का प्रयोग करने वालों को रोके जाने की हिदायत देते हुए दुकानों पर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 5 किलो पॉलिथिन जो जब्त किया गया है, जिसके तहत दुकानदारों से जुर्माने स्वरूप 3,000 रुपए भी वसूले गए हैं। सर्च अभियान की शुरुआत उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में अम्बेडकर पार्क से की गई और जैसे ही प्रशासनिक अमला और पालिका कर्मी मुख्य बाजार में राधे लाल हलवाई के प्रतिष्ठान वैरायटी स्वीट कॉर्नर के पास पहुंचा तो प्रशासनिक कार्रवाई के चलते व्यापारिक नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया और अधिकारियों को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। शासन के आदेश से पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसको 3 चरणों में प्रतिबंधित किया गया है। 15 जुलाई से पॉलिथीन और पॉलिथीन बैग प्रतिबंधित है। 15 अगस्त से प्लास्टिक के बने हुए चम्मच, पत्तल, प्लेट ये प्रतिबंधित हैं और 2 अक्टूबर से समस्त प्लास्टिक से उत्पाद से प्लास्टिक से बने उत्पाद या पॉलीथीन बैग हो, कैरी बैग हो, किसी तरह का चम्मच, प्लेट जो भी है वो सब जो है 2 अक्टूबर से बंद होंगे। इस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी हम लोगों को प्राप्त हुए और जनपद में जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आज हम और CEO साहब और पर्यावरण प्रदूषण के अधिकारी जो अमरोहा से आए थे, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक चेकिंग अभियान आज चलाया है। चेकिंग अभियान में लगभग 5 किलो पॉलीथीन प्राप्त हुई है और सभी लोगों को चेतावनी। बहरहाल व्यापारियों ने अधिकारियों का विरोध किया, जिसके बाद अधिकारी बेरंग लौटे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि व्यापारी क्यों नहीं प्रशासन और शासन के आदेशों को मान रहे। हसनपुर से मोहम्मद चांद अंसारी की रिपोर्ट। बाढ़ के राहत के लिए प्रशासन ने तैयारियां तो की है, लेकिन ऐसी तैयारियों का क्या करें जिसमें लोगों को कोई सुविधा ही ना मिले। अगली खबर यूपी के राजधानी लखनऊ से, जहाँ सोमवार को राजभवन के सामने कैश वैन से हुई लूट को लेकर लखनऊ पुलिस लुटेरों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि खुद ASP कलानिधि नेथानी ने लुटेरों का स्केच जारी कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जनता से सहयोग की अपील की है। लखनऊ SSP ने कहा कि अपराधी का फ्रंट और साइड पोस्ट फोटो सोशल मीडिया पर हम लोगों ने वायरल किया है। अगर ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने में जनता पुलिस का सहयोग करती है तो एक अच्छी पहल होगी और जनता की भी अपराधी को पकड़वाने में भागीदारी रहेगी। साथ ही SSP ने बताया लुटेरों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। सर्विलांस टीम की मदद के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा हो जाएगा। उसमें काम किया जा रहा है, सभी टीमें लगी हैं, इसमें कई तरह की टीमें हैं। कुछ टीमें जनपद के बाहर काम कर रही हैं, कुछ जनपद में कर रही हैं। विभिन्न राजपत्रित अधिकारियों को विभिन्न जगह दायित्व बांटे गए हैं। इसके अलावा हम फिजिकल इंटेलिजेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। सर्विलेंस की मदद ली जा रही है और जल्दी। गौरतलब है कि सोमवार को दिन दहाड़े राजभवन के सामने बाइक सवार लुटेरों ने कैश वैन के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और लगभग 6 लाख लूटकर फरार हो गए। घटना ने राजधानी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। लखनऊ से संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। तो लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने स्केच जारी कर दिया। सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज भी लुटेरों के इन स्केचों को बार बार आपको दिखा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हो। लखनऊ में ही एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा पीटे जाने के मामले में कार्यकर्ता ASP कैंप कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं। पूरे तरीके से बेलगाम हो चुकी यूपी पुलिस का शर्मनाक चेहरा अक्सर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला राजधानी लखनऊ के चिन्हित थाना क्षेत्र के अपट्रॉन चौकी का है। बीती 30
जुलाई को सतीश शर्मा नाम का व्यक्ति अपट्रॉन चौकी की ओर जा रहा था। वही चौकी इंचार्ज इमरान मौके पर मौजूद चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान सतीश शर्मा की गाड़ी को रोका गया, वहीं उनसे पैसे मांगने की बात भी कही गई। इससे नाराज होकर उन्होंने इसका विरोध किया तो चौकी इंचार्ज और अन्य दो सिपाहियों ने मिलकर उनकी जमकर पिटाई कर डाली। वहीं सतीश शर्मा का यह भी आरोप है कि उनके पास से 38,000 रुपए ले लिए गए और जरूरी कागजात सड़क पर फेंक दिए गए। साथ ही रात भर उनको चिन्हित थाने में बंद कर रखा गया, जिससे नाराज होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एसएसपी कैंप कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। लखनऊ से संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश को आवाज देने वाला शो उठते सवाल देखना न भूले। तब तक के लिए नमस्कार।